असलकम लास्ट टाइम वी were टॉकिंग अबाउट arrays, मल्टी डायमेंशनल एरेज़ पॉइंटर्स a होल lot ऑफ stuff. इस दफ़ा हम थोड़ा सा स्ट्रिंग हैंडलिंग की तरफ चलते हैं स्ट्रिंग्स हम बार बार लाते रहे हैं लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी उनकी manipulation भी की है सो द इशू दैट arises इज़ अगर स्ट्रिंग्स इतनी ही important हैं तो क्या इनके लिए हमारे पास कोई बिल्ट इन functions हैं जो इनके साथ कुछ हम काम कर सकें

प्रॉब्लम जो था जिसके लिए ये काम हो रहा था वो था कि जी फाइलें जो हैं वो आर्टिकल साइंटिस्ट जो थे वो पब्लिश करना चाहते थे और पब्लिश करने के लिए उनको टेक्स्ट एडिटिंग की ज़रूरत थी सो दे वांटेड सम इजी मैकेनिज्म जिससे वो टेक्स्ट को एडिट करके फॉर्मेट करके प्रिंट कर सकें फॉर पब्लिकेशन याद रहे ये वो ज़माना था जब अभी पी नहीं आए थे वर्ड प्रोसेसर नहीं बने थे आई I मीन mean, जो हम बिल्कुल बग़ैर सोचे हुए जो काम कर लेते हैं ना कैरेक्टर को बोल्ड कर लिया अंडरलाइन कर लिया बड़े नीटली पैराग्राफ फॉर्मेट कर लिया ये चीज़ें उस जमाने में नहीं होती थी सो so, वहाँ पे बड़े सिंपल कम्प्यूटर्स थे बड़े सिंपल प्रोग्राम्स थे और वो लंबे चौड़े वही जो पंच कार्ड्स चलते थे और मैग्नेटिक टेप्स चलती थी उस तरह के कम्प्यूटर्स थे तो जब एक मंडीन सी एक्टिविटी बिच मीनस एक आर्टिकल लिखना है और जर्नल में पब्लिश करना है उसकी बारी आई तो वो टाइप राइटर पर ही चलता था कि क्योंकि हाथ से लिखा सेक्रेटरी को दे दिया या खुद बैठ के टाइप राइटर पर उसको टाइप किया गलती हो गई तो या वाइट आउट लगाया या फाड़ के फेंक दिया और नए सिरे से टाइपिंग शुरू कर दी सो दीज पीपल दे डिसाइडेड टू डेवलप समथिंग दैट वुड मेक लाइफ ईजियर फॉर देम एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग समथिंग फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑल ऑफ दीज द लैंग्वेज वॉज बॉर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज बॉर्न एंड दैट इज़ वॉट वी आर स्टर्निंग टू उस ज़माने में इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग तो नहीं कहते थे हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग कहते थे क्योंकि ये व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट वाला ज़माना अभी नहीं आया था सो इन लाइन कमांड्स लिखी जाती थी दे वर टाइप एज़ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट और फिर उसको हम प्रोसेस करते थे ऑन आउटपुट बाद में आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते हुए कुछ प्रोसेस ऐसे बने कि जी पहले आप कमांड जैसे बोल्ड करना है बोल्ड की कमांड बीच में टाइप कर दी फिर उसको प्रीव्यू कर लिया बट नॉर्मली प्रीव्यू की बारी उसी वक्त आती थी जब कागज़ पर प्रिंट आउट लिया जा रहा था एरीपे ट्स एनफ ऑफ हिस्ट्री लेट्स गो ऑन एंड सी वॉट टाइप ऑफ स्ट्रिंग मैनिपलेशन फंक्शन द सी और सी प्लस प्लस प्रोवाइडर्स सी प्लस प्लस में तो बहुत सारी और चीजें हैं सी के अंदर फॉर द मोमेंट वी विल लुक एट दी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इसके अंदर लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बिल्डिंग ब्लॉक विच इज द कैरेक्टर कैरेक्टर के साथ क्या किया जा सकता है स्ट्रिंग के साथ क्या किया जा सकता है एंड सो ऑन सो फोर्थ पहले थोड़ी सी कैरेक्टर्स की बात हो चले कैरेक्टर्स एज यू नो आर रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑब्वियसली कोई ना कोई तो मेथड टू द मैडनेस होगा कोई कोड होगा जिसके ज़रिए से ये कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं आम तौर पर हमारे जो कंप्यूटर्स हैं आजकल वो एस की कोड इस्तेमाल करते हैं ए एस सी आई आई ये आपने शायद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी पढ़ा हो लेकिन ये कोड है क्या नॉर्मली आपके जो प्रोग्रामिंग की किताबें हैं उसमें ये पिछले कवर या अगले कवर के अंदर एक एस की टेबल दिया होता है मैं कहूँगा कि जी वो आप ज़रूर ढूँढें और उसको एक दफ़ा देख लें कि हर चीज़ जो कीबोर्ड पर दी हुई है या वो ए है बी है सी है ज़ीरो वन टू कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एवरी थिंग ऑन द की बोर्ड हैज़ सम न्यूमेरिक रिप्रजेंटेशन ये न्यूमेरिक रिप्रजेंटेशन जो है ये कंप्यूटर की मेमरी में मैनिपुलेट होती है आउटपुट पर एज़ कैरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं अगर आप एस की टेबल को देखना चाहें तो वाई डोंट यू राइट अ लिटल प्रोग्राम एंड सी द एस की वैल्यूज़ फॉर योर सेल्फ हाउ वुड यू डू दैट देखें हमारे पास एक तो डेटा टाइप है चार चार के अंदर हम एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं और बार बार बात हुई है कैरेक्टर वो है जो कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं वाइट स्पेस भी कैरेक्टर है न्यू लाइन भी कैरेक्टर है कॉमा फुल स्टॉप ए बी सी ज़ीरो वन टू भी कैरेक्टर्स हैं ठीक है ना वो एज नंबर्स और चीज़ हैं बट जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं दे आर कैरेक्टर्स अब दूसरी तरफ हमारे पास है इंट इंट में होल नंबर स्टोर होते हैं इंटेजर्स वी हैव ऑल्सो मैंशन दैट सिंस दिज कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन साइड मेमरी एज नंबर्स इट इज़ लॉजिकल टू थिंक कि जी इनको हम एज इंटीजर्स भी मैनिपुलेट कर सकते हैं इन फैक्ट देट इज़ वेरी करेक्ट और अगर आप एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखें कि जनाब एक लूप चलाएं जिसमें कुछ इंटीजर्स और उनकी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट आउट करें तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस नज़र आ जाएगी क्वेश्चन ये है कि जी ये लूप कितनी लंबी चलानी है वेल लेट्स लुक एट इट कितने हैं ए टू जेड तक कितने कैरेक्टर्स हैं छब्बीस उसके बाद उनको कैपिटल कर दें तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी छब्बीस और आ गए मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि जी कितनी बिट्स चाहिए इन कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए वेल लेट्स टेक अ लुक वेल यू नो कि जी अगर हमारे पास एन बिट्स हों तो उनकी कितनी मुख्त वैल्यूज़ हो सकती हैं टू टू द पावर एन सो अगर आपके पास चार बिट्स हैं तो वो टू टू द पावर फोर डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकती हैं टू टू द पावर फोर इज सिक्सटीन इससे तो बात बनेगी नहीं आपके पास सिंपल ए टू जेड तक छब्बीस कैरेक्टर्स हैं इफ़ यू टेक फाइव बिट्स 2 to the power 5, 32, So, with lower case, 26 upper case characters are to will Anyway, I won't make a long story out of it. The normal representation of a character inside the computer's memory is 1 byte, 8 bits. 8 bits means 256 different combinations of numbers, 256 different numbers can be stored in there, combination of bits. क्वेश्चन ये है कि जी वो जो कोई एक ख़ास नंबर है जो एक बाइट में स्टोर किया हुआ है उसकी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है इन रिप्रजेंटेशन अगर हम स्क्रीन पे उसको दिखाना चाहें तो वो किस शक्ल में नज़र आएगा या हम कीबोर्ड पे कोई की दबाएं तो वो अंदर किस नंबर के तौर पे स्टोर होगी सो बैक टू आर लिटल एक्सपेरिमेंट वाई डोंट यू सिंपली राइट अ लिटल प्रोग्राम विच टेक्स एन इंटीजर वेरिएबल इट्स कॉल इट आई टेक्स अ कैरेक्टर वेरिएबल इट्स कॉल इट सी

उसके बाद सी आउट के साथ आप आई को भी प्रिंट करें बीच में टैब स्पेस दे दें और फिर सी को भी प्रिंट कर लें और फिर न्यू लाइन डाल दें एंड एल कर लें या बैक स्लैश एन कैरेक्टर इस्तेमाल कर लें सिर्फ ये दो लाइनों की लूप लगा के इसको चलाएं तो स्क्रीन पे देखें क्या रिजल्ट आता है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको नज़र आएंगी आपको नज़र आएगा कि जी पहले कुछ स्माइलिंग फेसेस कुछ अजीब से कैरेक्टर्स हैं उसके बाद एक जगह पे कोई कैरेक्टर नहीं है वो कैरेक्टर है एस की वैल्यू थर्टी टू जो है वो स्पेस कैरेक्टर है जो स्पेस बार आपके पास बना हुआ है की बोर्ड पर लंबा उसको दबाएँ तो स्पेस छोड़ते हैं हम दो लफ्स के दो लफ्सों के दरमियान वो स्पेस कैरेक्टर है इट ऑल्सो प्रिंट्स हाँ स्क्रीन पर वो नज़र कुछ नहीं आता बट थोड़ी सी जगह तो छूटती है सो वो भी आपको नज़र आएगा उसके बाद आपको पंक्चुएशन मार्क्स भी आएंगे अल्फ़ाबेट भी नज़र आएगी और फिर अल्फ़ाबेट अपर केस लोअर केस दोनों में नज़र आएगी नंबर्स नज़र आएंगे उसके बाद बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं जिनमें लाइनें वर्टिकल डबल लाइन उस किस्म के कैरेक्टर्स हैं जो आप में से ज़रा से इमेजिनेटिव हैं वो इन कैरेक्टर्स को देखेंगे जो शक्लें बनी हुई हैं जो ज़्यादा बड़े नंबर्स के साथ एसोसिएटेड हैं एंड यू विल बी एबल टू सी दैट यू कैन ड्रॉ ऑल काइंड ऑफ बॉक्सिस यूजिंग दीज नंबर्स एंड इट माइट बी एन गुड एक्सपेरिमेंट टू ट्राई टू ड्रा अ बॉक्स ऑन द स्क्रीन सिंगल लाइन बॉक्स डबल लाइन बॉक्स खानों वाला बॉक्स इस तरह करके सिर्फ और सिर्फ इन कैरेक्टर्स के साथ आप प्रिंट कर सकते हैं जो चीज़ें नोट करने वाली हैं और वो इस वास्ते कि आगे, आगे आपकी एक असाइनमेंट भी आएगी जिसमें शायद आपको ये फ़ायदा दे सकें वो है कि जी छोटे ए से ले कर छोटे जेड तक कंटिन्यूस नंबर्स हैं यानी बी की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू प्लस वन के बराबर है एंड सो ऑन सो एवरी इंक्रीजिंग एल्फाबैट इज़ एक्चुअली वन

एंड द न्यू लाइन कैरेक्टर कुछ कैरेक्टर्स ड्रा करें फिर नई लाइन पे ड्रा करें एक्सेट्रा एंड सी इफ़ यू कैन मेक अ बॉक्स आउट ऑफ दीज और बाकी तो आपके प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करते रहे हैं ये तो हो गया कैरेक्टर्स और कैरेक्टर सेट अब क्वेश्चन ये है कि जी कैन वी डू वी हैव एनी फंक्शन जिनके साथ हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं द आंसर इज येस वी हैव कैरेक्टर फंक्शन एज वेल ये जो हैं ये आपको मिलेंगे एक लाइब्रेरी में जिसके लिए एज़ यूजल हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है ये हेडर फाइल जो है ये है सी टाइप डॉट एच सो अब जो आप कैरेक्टर मैनिपुलेशन वाले प्रोग्राम्स लिखेंगे इनमें सबसे ऊपर आप शार्प इंक्लूड और वही एंगल ब्रैकेट्स के अंदर सी टाइप डॉट एच भी लिख लें अगर ये नहीं लिखेंगे तो यू नो बाई नाउ दैट यू इफ़ यू ट्राई टू रेफरेंस अ फंक्शन इनसाइड योर प्रोग्राम और वो फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर्ड ना हो तो आपको कंपाइलर ही एरर मैसेज दे देता है कहता है कि जी मुझे यह फंक्शन नहीं मिला या इम्प्लिसड डेक्लरेशन ऑफ नीचे लिखा हुआ आ जाता है नीचे जो विंडो है आपके डेफ सी प्लस प्लस के इन्वामेंट के अंदर एक चीज़ आपने शायद और नोटिस किया मैं थोड़ा सा डायग्रेस कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एरर मैसेज नीचे आता है नीचे वाले हिस्से में तो उसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो दिखा देगा कि जी किस लाइन पर एरर था ऊपर जहाँ आपका कोड है वो हाईलाइट हो जाएगा सो यू कैन यूज़ इट वेरी ईजिली टू जंप एंड फाइंड आउट वेर द एर इज़ ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट अ फुल प्रूफ टेक्निक बिकॉज कई दफ़ा ये होता है कि आप ऊपर कहीं सेमी कॉलन मिस कर देते हैं तो वो एरर नीचे वाली लाइन पर दिखा रहा होता है लेकिन सेमी कॉलन ऊपर मिस किया होता है सो बी अवेयर ऑफ दैट एनी वे सी टाइप डॉट एज के अंदर क्या फंक्शंस मौजूद हैं ये लिस्ट जरा आप देखें देखें इसके अंदर हमारे पास इज़ डिजिट है इज एल्फ़ा है इज़ एल नम is alphanumeric and so on let me take them one by one and talk about them is digit takes a simple character as its argument and returns true or false and it is like a question that is being asked is this character a digit Yeah question put to hai or obviously his answer can only be true or false as i mentioned earlier character may ज़ीरो वन टू भी हो सकता है एज अ कैरेक्टर ना वेन वी से ज़ीरो एज अ कैरेक्टर इट मीन सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर ज़ीरो लिखा हो या एक चार टाइप डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर कोई कैरेक्टर स्टोर किया हो जो वैसे न्यूमेरिक कैरेक्टर हो तो ये फंक्शन जो है इस डिजिट ये डिटर्मिन करता है कि जी आपने उसको न्यूमेरिक कैरेक्टर दिया है इन विच केस इट विल रिटर्न ट्रू और अगर वो कोई और कैरेक्टर हो यानी ए बी सी हो कॉमा हो फुल स्टॉप हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा सो इट्स अ यूजफुल फंक्शन फॉर टेस्टिंग इनपुट इज डिजिट इसी तरीके से अल्फाबेट को अगर चेक करना हो तो इज़ अल्फा, ठीक है इज़ अल्फा के अंदर वो डिजिट्स को फॉल्स रिटर्न करेगा लेकिन अगर ए बी सी हो लोअर केस या अपर केस तो वो ट्रू रिटर्न करेगा इसी तरह हमारे पास इज अल्फा न्यूमेरिक का फंक्शन है अल्फा न्यूमेरिक मीन्स के जी ज़ीरो वन टू और ए बी सी इन में से कोई भी चीज़ हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा और काफ़ी सारे और हैं आप टेबल के अंदर देख लें और फिर उनके साथ एक्सपेरिमेंट भी करें कुछ और काम के फंक्शंस हैं वो हैं कन्वर्जन फंक्शंस ठीक है एक तो आपके पास फंक्शन है इज़ लोअर ना इज़ लोअर जो है उसको आप कैरेक्टर पास करते हैं वो बताता है कि जी लोअर केस है यानी छोटा ए छोटा बी या छोटा सी टाइप हो कैरेक्टर्स तो वो ट्रू रिटर्न करता है अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है सो so, अगर इस लोअर को आप फुल स्टॉप पास कर देते हैं तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा अगर इसी तरह के साथ इसी तरह का एक फंक्शन है इज़ अपर सो ये भी टेस्ट कर सकता है कि जी अपर केस कैरेक्टर एंटर किया है या लोअर केस कैरेक्टर एंटर किया है सो दीज आर द टेस्टिंग फंक्शंस इन्हीं के साथ के हमारे यूजफुल फंक्शंस हैं कन्वर्जन फंक्शन्स वो है टू लोअर अब मजे की बात देखें जो भी ये लैंग्वेज लिखने वाले थे जिन्होंने पहली दफ़ा ये फंक्शंस लिखे थे दे ट्राई टू यूज़ फंक्शन नेम्स दैट आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सो फॉर एग्जांपल टू लोअर मींस गिव मी अ कैरेक्टर एंड आई विल कन्वर्ट इट टू लोअर केस सो इट्स यूजफुल टू नो के जी फंक्शन नेम्स ऑल्सो आर सेल्फ़ एक्सप्लानेट्री सो टू लोअर जो है उसको अगर आप लोअर केस कैरेक्टर देंगे या कोई नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर देंगे कुछ नहीं करेगा अगर आप उसको अपर केस कैरेक्टर देंगे तो वो उसका लोअर केस इक्वलेंट वापस करेगा ऑब्वियसली जीरो वन टू जो है इनका कोई लोअर केस नहीं है वो ज़ीरो वन टू ही रहते हैं फुल स्टॉप कॉमा वगैरह जो है वो फुल स्टॉप कॉमास रहते हैं लेकिन अपर केस ए से ले कर जेड तक कोई भी कैरेक्टर टू लोअर को देंगे तो वो उसका लोअर केस इक्वलेंट रिटर्न करेगा इसी के साथ जो है वो टू अपर फंक्शन है लॉजिकली सेम फैमिली सो इफ़ यू यूज़ अ टू अपर फंक्शन इट कन्वर्ट फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस एंड अ लॉट ऑफ अदर फंक्शन चलें इनको ट्राई करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम उसको कैरेक्टर्स को गिनती करके बताते हैं कि ये लोअर केस कितने थे अपर केस कितने थे डिजिट्स कितने थे पंक्चुएशन कितनी थी एंड सो ऑन हमने एक एग्जांपल आपको हैंड आउट में भी दिया हुआ है स्क्रीन पे भी उसके टुकड़े आपको दिखाते हैं इसमें जो मज़े की चीज़ है वो थोड़ी सी बिगिनिंग में आती है जिसका टू लोअर और टू अपर वगैरह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन इट्स ए यूजफुल टूल टू नो अभी तक हम इनपुट आउटपुट जो है वो सी इन के साथ करते रहे हैं सी इन अभी तक अगर आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं और एक्सपेरिमेंट किया है यू वुड हैव डिस्कवर्ड जी वो एक वर्ड या एक कैरेक्टर जो है वो असाइन कर देता है किसी वेरिएबल को और फिर नेक्स्ट को एंड सो ऑन इट रिक्वायर्स एन एंटर एट द एंड जब हम कैरेक्टर मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो मे बी वी नीड टू यूज़ समथिंग एल्स द समथिंग एल्स इन दिस केस इज़ द गेट चार फंक्शन ये सी में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमेशा से मौजूद हुआ मौजूद है जी ई टी सी एच ए आर और आगे परन्थिस गेट चार जो है ये कीबोर्ड या इनपुट बफर जो है सो कीबोर्ड टू योर प्रोग्राम समझ लें एक रास्ता बना हुआ है उस रास्ते पे जितने कैरेक्टर्स हैं उसमें से गेट चार एक कैरेक्टर लेके आपके प्रोग्राम को हैंड ओवर करता है सी इन जो है वो कभी भी न्यू लाइन को नहीं पकड़ता वो देखते हैं आपने क्या टाइप किया अप टू द न्यू लाइन या एंटर कैरेक्टर और उससे पहले पहले वाली चीज़ों को वो वेरिएबल्स में स्टोर करने की कोशिश करता है ऑन द अदर हैंड गेट चार जो है वो न्यू लाइन को भी पकड़ लेता है सो इट इज़ यूजफुल वेन यूर एक्चुअली डूइंग कैरेक्टर मैनिपुलेशन नॉट टू मिस आउट द न्यू लाइन और दी स्पेशल कैरेक्टर्स सो ये जो आपको प्रोग्राम स्निपेट दिखाई जा रही है इसके अंदर अगर आप सबसे पहले देखें तो हमने एक प्रॉम्प्ट दे दी एज यूजल वी आर बींग पोलाइट कि जी प्लीज़ एंटर अ कैरेक्टर स्ट्रिंग इन दस देन प्रेस एंटर जब आप वो एंटर करते हैं तो आगे वाली लूप शुरू हो जाती है और कहती है कि जी वाइल C equal टू गेट चार परिस के अंदर is नॉट equal टू न्यू लाइन सो हमने ऑटोमेटिकली कह दिया कि जी हमें डिलिमिटर मिल गया है और वाइल लूप चला दो जो भी आपने टाइप किया था वो एक एक कैरेक्टर करके प्रोग्राम में लेते आप और फिर उसके ऊपर जो भी हमने गिनती करनी है कि जी कितने अपर केस हैं लोअर केस हैं वो लूप के अंदर चलते हैं इट्स ए यूजफुल कॉन्स्ट्रक्ट एंड यू शुड गेट यूज टू इट देखें इसके अंदर दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं वाइल फिर उसके अपने पैरथीसीज आए फिर उसके अंदर हमने लिखा सी इक्वल टू गेट चार और फिर सारी चीज़ को हमने परंथीसीज में इनक्लोज कर दिया और फिर इस पूरी असाइनमेंट को बिकॉज सी इक्वल टू गेट चार इज एन असाइनमेंट इसको हम कंपेयर कर रहे हैं न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ इज दैट वैलिड आई थिंक आई मे हैव अर्लियर बट इफ आई अ वैल्यू जो मर्ज़ी सी की स्टेटमेंट हो उसकी अपनी भी एक वैल्यू होती है जब हम असाइनमेंट स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे यहाँ पे सी इक्वल टू गेट चार है तो नॉर्मली जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ है उसको जो वैल्यू असाइन हुई है वही पूरी स्टेटमेंट की वैल्यू बन जाती है सो so, इस वास्ते हम यहाँ पे जब लिखते हैं वाइल और फिर जो टेस्ट चीज़ हम कर रहे हैं वो है सी इक्वल टू गेट चार दैट इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर दैट वॉज असाइन टू द वेरिएबल सी वेन दैट वैल्यू इज़ रिटर्न उस वैल्यू को हम कम्पेयर कर रहे हैं न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ एंड देन वी गो इन टू द लूप और फिर हम सी को पकड़ के सारे टेस्ट लगा देते हैं कि जी अगर इज़ अपर है तो ये कर दो इज़ लोअर है तो ये कर दो एट्सेट्रा सो वी कैन डू अकाउंट एंड द नाइस थिंग इज दैट सिंपली बाय रनिंग थ्रू दिस लूप दैट एंटायर स्ट्रिंग दैट यू टाइप डिट द की बोर्ड एंड देन यू प्रेस्ड एंटर वो पूरी स्ट्रिंग कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रोसेस हो जाती है हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट बना रहे हैं वो आपको मैं बाद में बताऊँगा मे बी नेक्स्ट लेक्चर के बाद जहाँ पर आपको एक काफ़ी कैरेक्टर हैंडलिंग वगैरह करनी पड़ेगी चलें थोड़ा आगे चलते हैं कैरेक्टर हैंडलिंग आप करेंगे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसके साथ नेक्स्ट इज़ वट डू वी डू अबाउट कन्वर्जन फ्राम लेट्स ए के दिक्टर ज़ीरो टू द नंबर ज़ीरो ठीक है अब देखें अगर करेक्टर ज़ीरो जो है अगर आपने वो एस की वाला प्रोग्राम अपना लिख लिया और चला लिया यू फाइंड कीजिए उसकी तो कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है ठीक है सो द करेक्टर ज़ीरोज़ अ नॉन ज़ीरो एस की रिप्रजेंटेशन सो यू कान से इट इज़ द नंबर जीरो सो हाउ डू वी असाइन इट टू एन इंटिजअ वेरिएबल एस्यूमिंग आपने अगर जीरो एंटर किया है तो वो ज़ीरो किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर हो एक तरीका तो वो है जो हमने पहले इस्तेमाल करते आए हैं कि जी सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन एक्स वेर एक्स इज़ एन इंटीजर वेरिएबल फिर तो वो वहाँ पे चला जाता है लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल जो है वो कैरेक्टर हो जिसके अंदर आपने की से इनपुट ले ली है लेकिन इनपुट जो ली है वो न्यूमेरिक हो तो यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस न्यूमेरिक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन टू एक्चुअल न्यूमेरिक वेरिएबल्स इसके लिए वी हैव अ फ्यू फंक्शंस ए टू एफ एस की टू फ्लोट ये एक स्ट्रिंग लेता है और रिटर्न नंबर करता है ए टू आई एस की टू इंटेजर अगेन इट टेक्स अ स्ट्रिंग एंड इट रिटर्न्स एन इंटेजर ए टू एल, इट टेक्स अ स्ट्रिंग एन एस की स्ट्रिंग एंड रिटर्न लॉन्ग इंटेजर सो देर आर कन्वर्जन फंक्शंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं देखिए एक तरीका तो आप कह सकते हैं कि जी इट विल बी क्वाइट आर्टिफिशल कि जी हमने सी इन के साथ जो भी चीज़ें गेट की हैं वो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के अंदर स्टोर की हैं और बाद में हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ गई है कि जी ये जो नंबर डाला था कि जी एज एंटर करो आपने फोर फाइव दबाया कि जी किसी की एज जो है वो फोटी फाइव है वट यू टाइप लट दीबोर्ड वेंट इन टू लेट्स ए अ स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग का नाम है एस टी आर इसमें से नंबर निकालने के लिए वी वुड से समथिंग लाइक कि जी इंट एज एज इक्वल्स ए टू आई प्रसिज के अंदर एस टी आर वेरी नाइस वेरी सिंपल स्ट्रिंग इज पास टू द एस की टू इंटेजर फंक्शन एंड इट रिटर्न एन इंटेजर वैल्यू हाँ अगर एस टी आर के अंदर कोई इंटेजर वैल्यू ना हो तो ऑब्वियसली गाबेज रिटर्न होगा सो यू शुड चेक इट आउट एंड फाइंड आउट कि जी जीरो रिटर्न होता है क्या रिटर्न होता है ठीक है ना सो दैट यू कैन डू एरर हैंडलिंग इन योर प्रोग्राम्स यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शंस सेम अप्लाइज फॉर ए टू एफ हम चाह रहे हैं कि जी 12.89 एंटर किया जाए सो ट्वेल्व पॉइंट तो रियल नंबर है ये फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है डबल के अंदर स्टोर हो सकता है तो ए टू एफ इस्तेमाल होगा विल से अ डबल वेरिएबल इक्वल्स ए टू एफ स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग कन्वर्ट होके डबल को असाइन हो जाएगी एंड सो ऑन इन फंक्शंस का रियल इस्तेमाल कहाँ होता है आपको शायद याद हो मैंने बताया था कि जो हम मेन फंक्शन लिखते हैं उसके आगे परेंथीसीज हैं उन परेंथिस के अंदर भी हम कुछ लिख सकते हैं और क्या लिखते थे हम लिखते थे इंट आर्ग सी और फिर कॉमा चार स्टार स्टार आर्ग बी वॉट दैट मीन आर्ग सी वॉज द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पास टू द प्रोग्राम इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम इट सेल्फ एंड आर वी वॉज अ वेक्टर ऑफ़ स्ट्रिंग्स यानी एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स अब देट मीन्स कि ये हम इस्तेमाल करते हैं जब प्रोग्राम को कमांड लाइन आर्गमेंट्स देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कह सकता हूँ कि जी प्रोग्राम का नाम फिर कुछ कैरेक्टर स्ट्रिंग दूँ फिर कोई नंबर दूँ फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग दूँ फिर कोई नंबर दूँ इफ दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू प्रोसेस प्रॉब्लम इज ये सारे आर्गोमेंट्स विल ऑलवेज भी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स रिगार्ड ऑफ के जी मैंने वहाँ पर फोर्टी फाइव लिखा है या ट्वेल्व पॉइंट एट नाइन लिखा है प्रोग्राम के अंदर जब ये पहुंचेंगे आप तो आप उसको आर्ग वी स्ट्रिंग जो वेक्टर है उसके अंदर एक स्ट्रिंग लेंगे उस स्ट्रिंग के अंदर 45 लिखा होगा या स्ट्रिंग के अंदर 12.89 लिखा होगा वहाँ पे आपको इन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ जाएगी ए टू एफ ए टू आई ए टू की जो एस की से लेके न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं सो दे आर वेरी वेरी यूजफॉल ऑफकोर्स द मोर इमेजिनेटिव वन अमंग्स यू यू वुड हैव बाई नाव था ऑफ कि जी ए टू एफ लिखना कैसे है ये ए टू आई कैसे लिखना है आई थिंक अगर वो एस की टेबल वाले प्रोग्राम को सामने रखें तो यू शूड बी एबल टू कम अप विद एलगोरिदम कैन कन्वर्ट अरेक्टर स्ट्रिंग कॉन्टेनिंग डिजिट्स इन टू इट्स न्यूमेरिक रिप्रजेंटेशन गिव इट अ ट्राई मे बी यू कैन लेट्स गो ऑन नाउ टू सम्स के अंदर याद होगा लेथ से अगेन एक गेम आपसे लिखवाई थी वो थी गेस द नंबर गेम गेस्ट द नंबर गेम में तो आसान काम था कि जी आपने कंप्यूटर में एक नंबर छुपा दिया और फिर यूजर को कहा कि जी गेस्ट करो और हमने इंटीजर गेट करके उसको कंपेयर कर लिया कांट वी डू देट विद स्ट्रिंग्स हम कहें कि जी मैंने एक नाम बीच में डाल दिया है नाम गैस करो तो अब इसको एल्गोरिद्मिकली देखा जाए तो कैसे किया जाएगा अब अगर दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो व्हाट वुड वी डू वी टेक द फर्स्ट कैरेक्टर एंड कंपेयर इट टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन द अदर स्ट्रिंग अगर वो बराबर हैं फिर सेकंड कैरेक्टर अगर वो बराबर है फिर थर्ड कैरेक्टर एंड सो ऑन एंड देन आल्सो मेक श्योर कि द स्ट्रिंग्स आर द सेम लेंथ क्योंकि अगर एक स्ट्रिंग लंबी है और उससे पहले सारा एग्जैक्ट मैच हो चुका है तो लंबाई की वजह से हम कहेंगे जी मैच नहीं हुआ क्योंकि वन स्ट्रिंग हैज़ मोर कैरेक्टर्स दैन दी अदर

जिसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन जो हैं वो लिस्टेड हैं यही लिस्ट आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है एंड यू शुड गो ओवर दैम वन बाई वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम देखिए यहाँ पे आई वुड लाइक टू रिट्रेट अ फ्यू थिंग्स पहली चीज़ इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है यू शुड बी एबल टू लुक दीज फंक्शन आप एज लॉन्ग एज आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि जी मुझे एक फंक्शन चाहिए जो कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करता हो नॉर्मली एवरी लैंग्वेज हेल्प सिस्टम

कि जी ये इसको आर्गूमेंट्स पास होंगे ये चीज़ ये रिटर्न करेगा फिर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है हैं कि जी पहला आर्गमेंट इस चीज़ के रिप्रजेंट करता है दूसरा इसको रिप्रजेंट करता है रिटर्न वैल्यू ये रिप्रजेंट करती है यू शुड रीड दोज एंड ऑलमोस्ट मेक इट अ हैबिट कि जब आप अपने फंक्शन लिखने जाएँ तो उनका हेडर जो है एज कॉमेंट्स यू कैन यूज़ द सेम टाइप ऑफ सिंटैक्स कि जी फंक्शन का नाम बताए और फंक्शन बता दिया कि जी ये करता है फिर उसको बताया कि जी ये इतने आर्गूमेंट्स लेता है पहला आर्गमेंट ये दूसरा ये और उनको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएँ बहुत यूजफुल हैबिट है अगर आप ये कॉमेंट्स अपने इन हाउस फंक्शन जो आप लिखेंगे उनके अंदर भी इंक्लूड करते जाएँ नन लेस बैक टू माई स्टेटमेंट के जी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि जी आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रट्टा ठीक है ना मैं नहीं चाहता कि जी कोई एक गुरु जो है ना वो उसने पूरे सी लाइब्रेरी के फंक्शन रटे हों और वो कह जी मुझे पता है कैसे आता है ना Obviously, remembering the names of these functions is useful, because it saves you a little bit of programming time. You should be able to know, yes, to copy a string from one to the other, I use strcpy, ठीक है string copy function. और अगर मैंने दो strings को compare करना है, तो मैं strcmp कर सकता हूँ. हाँ कुछ इसके variables या variations भी हैं, कोई और तरीका भी है compare करने का. लेकिन क्यों मैं कह रहा हूँ कि जी इनको सारी library को याद करने की ज़रूरत नहीं. पहली चीज़ you can look it up. दूसरी चीज़ होपफुली यू कैन राइट दीज फंक्शंस बायर सेल्फ सो हेज़ अ चैलेंज लुक एट द फंक्शन डेफिनेशन एंड ट्राई टू डुप्लीकेट इट आपको डेफिनेशन और डेक्लेशन मिल गई है नाम उसका बदल लें ताकि वो लाइब्रेरी फंक्शन के साथ क्लैश ना करें लेकिन आप स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन अपना लिखें स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन अपना लिखें ट्राई इट इट्स गुड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज एंड विट ऑल्सो गिव यू अ फील फॉर हाउ टू मेक थिंग्स मोर एंड मोर एफिशंट एक और चीज़ मैं बात करता चलूँ पहले भी मैंने कहा था इन योर ओन प्रोग्राम्स प्लीज डू नॉट सेक्रीफाइस क्लैरिटी फॉर एफिशेंसी नॉट एट दिस स्टेज जब आप गुरु बन जाएंगे ना जब आप अपनी लैंग्वेज डी लिख रहे होंगे या अपनी लैंग्वेज एक्सएक्स ईजाद कर रहे होंगे उस वक्त ज़रूर कीजिएगा अभी के लिए योर प्रोग्राम्स मस्ट बी एब्सोलूटली क्लियर दे इंटेंट एवरी लाइन शुड बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल so you may be sacrificing some efficiency for clarity but for the moment clarity wins efficiency wins when you have a function आप लिखते हैं कोई function और आपको पता है कि जी आपके program के अंदर उसने 10 करोड़ दफा call होना है now अगर एक function में 10 करोड़ दफा call होना है तो हर call पे अगर आपका 0.001 seconds कम time वो लेता है in other words it's slightly more efficient then it adds up द टेन करोड़ कॉल्स टू दैट फंक्शन वुड हैव अ सिग्निफिकेंट सेविंग इन कंप्यूटर रन टाइम नन द लेस अगर फंक्शन में एक दफ़ा कॉल होना है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि जी एक मिली सेकेंड वो जल्दी चल गया है या एक मिली सेकेंड देर से चला है सो डोंट सेक्रीफाइस क्लैरिटी फॉर एफिशंसी नॉट एट दैवंग सेड दैट ना वट यू शुड डू इज लुक अप द स्टेब और स्ट्रिंग मैन एप्लीशन फंक्शन एंड एक दो तीन चार कम अज़ कम आप अपने तौर पर लिखने की कोशिश करें गो टू द डिस्कशन बोर्ड एंड ट्राई टू पुट इन यू नो माई अटैम्प्ट और माई स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन ऑफकोर्स आपको टेस्ट करना चाहिए एंड मेक श्योर दैट इट वर्कस बिफोर पब्लिशिंग योर वर्क ओके दे वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैं वैसे कॉमेंट करता चाहूँ जनरल स्टाइल के ऊपर हम बात तो करते आए हैं सम जेंटलमैन पुट पीस ऑफ कोड ऑन द डिस्कशन बोर्ड एंड इट वॉज अ कोड रेटेड टू टेकिंग द सम ऑफ इवन एंड ऑर्ड इंटेजर्स उन्होंने जो कोड लिखा उसमें इवन इंटेजर्स का सम जो है वो जा रहा था इन अ वेरिएबल कॉल्ड सम चलें यहाँ तक तो मान लेते हैं उसके बाद उन्होंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसका नाम था सम अंडर स्कोर इवन और कोड को देखा तो पता चला कि जी ऑड वेरिएबल्स का सम जो है वो इस वेरिएबल में जा रहा है जिसका नाम है सम अंडर स्कोर इवन नाउ फ्राम द प्रोग्राम्स लॉजिक परस्पेक्टिव दॉज नथिंग रॉन्ग विद द प्रोग्राम इट रैन ब्यूटिफुली इट रैन वेल समर्स भी वो निकालता है सम ऑफ ऑड नंबर्स भी निकालता है और स्क्रीन आउटपुट भी बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर स, उसके सोर्स कोड को देखें तो इट इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग इट्स इज ये सम ईवन के अंदर कोई चीज़ जमा हो रही है पर यह तो ऑड नंबर जा रहे हैं वॉट इज वट इज हैपनिंग हेयर अगर वैसे देखें तो आप रिज्यूम करेंगे कि सम ईवन के अंदर इवन नंबर्स का सम पड़ा हुआ है so, सो यू नो जस्ट जनरल गाइडलाइंस कि अगर आप वेरिएबल्स को नाम दे रहे हैं तो नाम भी ऐसा दें जो कि पढ़ने से ही समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग सम जब उसमें इवन नंबर्स का साम रखना है तो उस वेरिएबल का नाम रखें सम अंडर इवन या सम इवन और जो ऑर्ड इंटेजर्स हैं उनका साम सम रख लें सो दैट द नेम्स आर सेल्फ एक्सप्लेनिट्री सो इन दिस केस वेन यू राइटिंग योर ओन फंक्शन यू राइटिंग अ स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन कॉल इट माई स्ट्रिंग कॉपी अंदर जो वेरिएबल नेमिंग करनी है वो भी जरा सी एक्सप्लिसिट हो नजर आए शायद कुछ एक्स्ट्रा टाइपिंग करनी पड़े कोई बात नहीं कर लें थोड़ी प्रैक्टिस ही हो जाएगी बट कलैरिटी आ जाएगी प्रोग्राम के अंदर चलें लेट्स लुक एट अ फ्यू ऑफ दिज फंक्शन पहला वेरी वेरी यूजफुल फंक्शन इज टू कापी फ्रॉम वन स्ट्रिंग इन टू अनादर स्ट्रिंग इसका जो प्रोटोटाइप है वो है एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग कापी और फिर चार पॉइंटर टू एस वन विच मीन्स एस वन इज़ अ स्ट्रिंग अ पॉइंटर टू अ केरेक्टर इज़ अ स्ट्रिंग और फिर कॉमा कॉन्स्ट चार पॉइंटर टू एस टू वॉट इट डज इज इट कॉपीज एस टू इन टू एस वन सो याद रखने का तरीका जो बाद में आता है वो वहाँ से शुरू होता है काम और पहले वाली स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो मूव होती हैं दिस वाई डिड बी राइट द कॉन्स्ट सोचें लेकिन जिससे हम कॉपी कर रहे हैं उसको तो हमने कुछ नहीं करना ना सो एस टू बेटर बी अ कॉन्स्ट ताकि वो क्लियरली डिक्लेयर्ड हो नथिंग विल हैपन टू दिस स्ट्रिंग एस वन इज़ द वन जिसमें असाइन हो रहा है द स्ट्रिंग्स विल बी कॉपीड इट इज़ यू हैव टू मेक श्योर दैट एस वन इज़ लार्ज अनफ टू होल्ड एस टू अदरवाइज वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर्स विल अकर नल नल कैरेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा आफ्टर द कॉपिंग ऑपरेशन इज कम्पलीटेड सो एस टू पूरी की पूरी एस वन में कॉपी हो जाएगी एंड पे नल कैरेक्टर रख जाएगा एंड आई मीन बेसिकली वट इज द रिटर्न यू हैव टू ऑल्सो वरी अबाउट दैट जी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन रिटर्न क्या करता है द स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन इट सेल्फ रिटर्न कैरेक्टर पॉइंटर वट इज दैट मीन्स यू कैन यूज इट इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट so you could see s3 where s3 itself is a char pointer is a pointer to a string so you can say s3 is equal to string copy but normally we do not use it like that but it is useful to know that it itself returns a char pointer or a pointer kishliskaja Whatever value s1 may value return kia what happens if we want to copy only a certain number of characters not the entire string hum एस टू जो स्ट्रिंग है उसमें से दस कैरेक्टर्स कॉपी करना चाहते हैं एस वन के अंदर सो वी हैव एस टी आर एन सी पी वाई ये फंक्शन है इसमें चार पॉइंटर टू एस वन चार पॉइंटर टू एस टू एंड इंट एन वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट वी विश टू कॉपी फ्रॉम एस टू इन टू द स्ट्रिंग एस वन एंड आई विल रिपीट अगेन एस वन मस्ट बी लार्ज इनफ टू टेक दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन देंस दैट एस टी आर एंड सी पी वाई के अंदर हम एक्सप्लिसिटली स्टेट कर देते हैं कि कितने कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं इट इज़ प्रोबली अ सेफर फंक्शन टू यूज देन सिंपल एस टी आर सी पी वाई द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वन इज स्ट्रिंग कैट एस टी आर सी ए टी ये दो स्ट्रिंग्स को कॉन्टनेट करता है आपस में जोड़ता है सो यू कुड थिंक इन टर्म्स ऑफ के एक स्ट्रिंग में आपका फर्स्ट नेम पड़ा हुआ है दूसरी स्ट्रिंग में आपका लास्ट नेम पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं एक स्ट्रिंग बन जाए जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाए सो यू कैन यूज़ द एस टी आर सी ए टी फंक्शन जिसमें एस वन और एस टू आप दो स्ट्रिंग्स देते हैं और ये इसका बल्कि एस टू को एस वन के अखीर पे अपेंड कर देता है और दैट मीन्स कि एस वन में जो भी कैरेक्टर स्ट्रिंग पड़ी हुई थी वो ओवर राइट नहीं होती उसके बाद जगह ऑब्वियसली मौजूद होनी चाहिए उस जगह में एस टू वाली स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो प्लेस हो जाती है इस्तेमाल करते वक्त ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू डू सर्टन नाइसिटीज़ यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को कनकेटनेट कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि जी बीच में थोड़ी सी जगह आए ये तो नहीं है कि जी लास्ट नेम का आखिरी फर्स्ट नेम का आखिरी कैरेक्टर जो है वो लास्ट नेम के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ मिल जाए सो यू मे वॉन्ट टू कॉन्केटनेट अ स्पेस कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग फर्स्ट टू द फर्स्ट नेम एंड देन अपेंड यानी कॉन्टोनेट द लास्ट नेम सो स्टरिंग कैट इज ए यूजफुल फंक्शन इसी का ऑबियसली रिश्तेदार भी हमारे पास है एस टी आर एन सी ए टी जिसमें हम कहते हैं कि जी एस वन के अंदर एस टू के एन कैरेक्टर्स जो है वो अपेंड कर दो वेर एन इज इन इंटीजर दैट यू स्पेसीफाई सो हम कहते हैं कि जी स्ट्रिंग टू में से पांच कैरेक्टर्स जो है वो स्ट्रिंग वन के अखीर पर लगा दो अगेन रिपीटिंग स्ट्रिंग वन शुड हैूम टू टेक द एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नल कैरेक्टर जो एस वन में पहले से मौजूद था वो गायब हो जाएगा उसकी जगह पे नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे और एंड पे नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ये फंक्शंस प्लेस कर देंगे लेट्स लुक एट सम मोर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस या इनका पहले हम एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं थोड़ी सी चंद लाइनें जो हैं कोड की वो दिखाएंगे पूरा प्रोग्राम नहीं दिखाते सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड के जी हाउ कॉन कैटनेशन वर्क सो वी ट्राइंग टू शो यू One part is the code and the other part is the result of these uh, functions as they are called. So we have given you a certain number of examples which are in handouts. But as always the best way of learning these functions is to experiment with them yourself and use them inside your programs. Only then you will learn how to handle them. After that string comparison comes. So if you take strcmp function. तो इसने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है अगेन यू पास इट टू स्ट्रिंग्स एस वन एंड एस टू एंड इट रिटर्न अ वैल्यू विच इज़ लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग ऑन कि जी इफ इट डिटर्म के एस वन जो है वो एस टू से कम है वॉट दज कम मीन वेल इन अ कंपेरिजन ऑब्वियसली वन थिंग इज गोइंग टू बी सो कॉल्ड लेस देन दी अदर सो इफ एस वन इज लेस देन एस टू इट रिटर्न नेगेटिव इंटीजर If s1 and s2, s one and s 2 s 2 are rather are exactly identical, it returns a zero. If s1 is in some sense greater than s2, it returns a positive integer. So its return type you have o int. hai. Rakhe, ke return type char pointers The in functions ka your comparison functions in return type int hai. Remember computers are very very accurate machines. When we say compare two strings. एज ह्यूमन बींग्स अगर मैं कागज़ पे आपको हेलो लिख दूं एच ई एल एल ओ और आप अपने तौर पे कागज पे लिखें हेलो कोई पढ़ने वाला उसको देखेगा और कहेगा कि दोनों ने हेलो लिखा हुआ है दे फॉर द स्ट्रिंग्स आर इक्वल पढ़ने वाला बिकॉज ही और शी इज ह्यूमन बींग विल नॉट केयर कि जी मैंने कैपिटल एच लिखा है और आपने लोअर केस एच लिखा है वो तो ये देखेगा कि दोनों ने हेलो लिखा है बराबर है कंप्यूटर्स में दे आर नॉट इक्वल इफ़ यू यूज़ अ कैपिटल लेटर इन वन स्ट्रिंग एंड अ लोअर केस वर्जन ऑफ द सेम कैरेक्टर इन दिंग दे विल नॉट कम्पेयर इक्व आप हेलो लिखते हैं हेलो के बाद एक स्पेस छोड़ देते हैं विद इन द कैरेक्टर स्ट्रिंग दूसरे हेलो के अंदर स्पेस नहीं है दे विल नॉट कम्पेयर इज इक्व सो बी केयरफुल एक्सपेरिमेंट विद दैम एंड फाइंड आउट कि जी लेस देन कब होता है इक्वल टू कब होता है ग्रेटर दैन कब होता है इक्वल टू इज ऑबियस द स्ट्रिंग मस्ट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल What happens if we want to compare a certain number of characters? I want to see if string 1 ke pehle b's character string 2 So, I can use the strncmp function, which is string comparison for n characters. Again, we take s1 as a character string as the first argument, s2 as a character string second argument, and an int n as the third argument, which says how many characters to compare. रिटर्न जो है इंट ही होगा अगर एस वन के पहले एन कैरेक्टर्स एस टू के पहले एन कैरेक्टर से कम गिने जाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा अगर बराबर होंगे तो आंसर जीरो होगा अगर एस वन के पहले एन कैरेक्टर्स जो हैं वो एस टू के पहले एन कैरेक्टर्स से बड़े होंगे इन सम कंपैरिजन सेंस द आंसर विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर कंपैरिजन यू शुड अंडरस्टैंड कि जी अंदर तो नंबर स्टोर हो रहे हैं सो so कंपेयर करना काफ़ी आसान है Please verify for yourself that the chota h is bigger ya capital H is bigger. How do they compare? Put them into a character string and find out for yourself. Once you have determined which one of the two is bigger, go back to your ASCII program and find out their ASCII values. See what the answer is. Does it make sense? Take a look at that. I have left almost the मोस्ट यूजफुल फंक्शन फॉर लास्ट बट दिस इज समथिंग दैट वी यूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन कैरेक्टर स्ट्रिंग दी हुई है एक एरे के अंदर पड़ी हुई है एरे सौ कैरेक्टर्स की हमने डिक्लेयर कर दी उसमें स्ट्रिंग डाल दी स्ट्रिंग कितनी लंबी है वी नीड अ फंक्शन टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ केरेक्टर स्ट्रिंग सो वी हैव एन एस टी आर एल ई एन फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ इसको आप एक स्ट्रिंग पास करते हैं यह उसकी लंबाई बता देती है what does the length of a string means it means the number of characters in the string before the null character so you can obviously write a little loop saying you know jab tak null character nahi aata kisi ek integer variable ko increment karte jao that should be the string length so i've already given you a hint how to write your own str len function but this is a useful function it gives us a feel for how many characters are there in a character string Another set सेट ऑफ useful यूजफुल फंक्शंस आर सर्च फंक्शंस do डू वी सर्च फॉर अ inside a string? अ स्ट्रिंग ये सर्च फंक्शंस जो हैं ये भी टेबलर फॉर्म में आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं ये भी बुक के अंदर भी इसका टेबल दिया हुआ है इसके साथ भी यू शुड एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट इनके साथ एक्सप्लिंग मैं अगर यहाँ पर हाथ हिला के आपको बताता चलूँ तो इतना मज़ा नहीं आएगा आपको एक्चुअली इसके साथ प्ले करना चाहिए आप एक स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर को ढूंढ सकते हैं और बता देगा कि किस जगह पे कैरेक्टर है या वहाँ से आगे की स्ट्रिंग कौन सी है उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है आप एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को तलाश कर सकते हैं लाइक आपके पास एक स्ट्रिंग है उसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ टेस्ट तो आप पूछें कि जी इज कहाँ पे है वो आपको बता देगा कि जी फ्लानी कैरेक्टर पोजीशन पे है और इसके बाद वाली स्ट्रिंग है इज अ टेस्ट सो यू हैव अनदर फंक्शन फॉर डूइंग दैट यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ कंपेरिजन यू कैन सी के जी अखीर से शुरू हो जाओ मुझे बताओ ए कहाँ पर आता है सो यू कैन स्टार्ट फ्राम द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड वर्क बैकवर्ड टू फाइंड द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द कैरेक्टर ए स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ओके यू कैन ऑलवेज लुक फॉर इट फ्राम द बिगिनिंग दैट्स अनदर फंक्शन सो मैनी यूजफुल कैरेक्टर सर्चिंग और स्ट्रिंग सर्चिंग फंक्शन वो आपके पास मौजूद हैं अभी तक अगर आप कैरेक्टर हैंडलिंग और कम्पेरिजन्स को कुछ हैंडल कर सकें हैं तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन जैसे जैसे आप इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आपका दिमाग चल रहा होना चाहिए हाँ ये तो मैं भी लिख सकता हूँ हाँ ये तो मैं भी लिख सकता हूँ यू शुड राइट दम ये मैं तलकिन कर रहा हूँ कि जी जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आप अपने तौर पर भी लिखें और उनको एक्सपेरिमेंट करें उनके साथ तो आपको एक तो प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज़ हासिल होगी दूसरा कैरेक्टर हैंडलिंग जो है उसके ऊपर काफ़ी दस्तरस हासिल हो जाएगी बिकॉज़ कैरेक्टर हैंडलिंग इज़ फेयरली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मॉडर्न डे कंप्यूटिंग परस्पेक्टिव आजकल हमारे प्रोग्राम जो हैं बड़े बड़े यूज़र फ्रेंडली होते हैं वी डोंट ऑलवेज मैनिपुलेट नंबर आजकल हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत यूज़र फ्रेंडली होते हैं हम हर दफ़ा सिर्फ नंबरों को जमा तफरीक नहीं कर रहे होते हम बहुत सारी अंग्रेजी की भी हैंडलिंग कर रहे होते हैं हम चाहते हैं कि जी एक विंडो बने उसके ऊपर एक टाइटल लिखा जाए उसके अंदर कुछ लिखा जाए ना हार्ड कोड तो चीज़ें की जा सकती हैं लेकिन इफ़ यू वांट अ डायनामिक प्रोग्राम के इस तरफ़ा चले तो विंडो का टाइटल ये हो या चौड़ा हो जाए या अपर केस में हो जाए यू नीड टू नो हाउ टू डू स्ट्रिंग हैंडलिंग वन फाइनल फंक्शन बिफोर वी कंक्लूड फॉर द डे इट इज़ द एस टी आर टी ओ के फंक्शन स्ट्रिंग टोकन वेरी यूजफुल वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि जी एक आपके पास कैरेक्टर स्ट्रिंग है उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ अ टेस्ट हाउ डू आई गेट देम एज सेपरेट कैरेक्टर स्ट्रिंग के मेरे पास एक स्ट्रिंग के अंदर दिस आ जाए दूसरी के अंदर इज आ जाए तीसरी के अंदर ए आ जाए और चौथी के अंदर टेस्ट आ जाए वेल स्ट्रिंग टोकन फंक्शन जो है वो टोकन एक्सट्रैक्ट करता है स्ट्रिंग के अंदर से और टोकन क्या चीज़ है इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स डिलिमिटेड बाय अ सर्टन कैरेक्टर सो स्ट्रिंग टोकन को आप एक स्ट्रिंग देते हैं एक डिलिमिटिंग कैरेक्टर देते हैं वो आपको टोकन वापस कर देता है डिलिमिटिंग कैरेक्टर जो है दैट इज़ यूजली अ स्पेस कैरेक्टर बट यू कैन यूज एनी थिंग यू वॉन्ट डिफॉल्ट उसका हो सकता है कुछ के स्पेस हम इस्तेमाल कर रहे हूँ लेकिन कोटेशन मार्क भी हो सकती है एंड सो ऑन सो ट्राई दिस वन आउट इसकी यूजेज़ जरा सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पहली दफ़ा जब आप स्ट्रिंग टोकन को कॉल करेंगे तो आप स्ट्रिंग देंगे और उसको डिलिमिटर कैरेक्टर देंगे और ये पहला टोकन वापस कर देगा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस इज अ टेस्ट ये स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है और स्पेस कैरेक्टर जो है वो मैंने एज ए डिलिमिटर दे दिया है स्पेस कैरेक्टर कैसे लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क स्पेस डबल कोटेशन मार्क राइट रॉन्ग दैट इज अ स्ट्रिंग विच हैज सिंगल स्पेस अ कैरेक्टर वुड बी सिंगल कोट स्पेस सिंगल कोट उसको आप पास करें यह आपको पहला वर्ड दे देगा नेक्स्ट कॉल टू स्ट्रिंग टोकन Must use the word null as null -L, instead of the string name. Same delimiter. function null return Give it a try, experiment with it. You will find examples in the book and learn how to use the string manipulation functions. I think that is enough for today, but I will leave with the same thought and the same guideline. Try to write these functions yourself you know enough of the language now to be able to write them. You may not write the best function, you may not write the most efficient function, but it is useful programming practice. In the lecture, we will